श्योपुर नगर में इस बार नगर पालिका चुनाव को लेकर जहां घमासान दिखाई दे रहा है, वहीं पार्षद पद को लेकर भाजपा और कांग्रेस द्वारा वार्ड प्रत्याशियों को किए गए टिकट वितरण को लेकर काफ़ी असंतोष भी उपजता दिखाई दे रहा है। जहां ऐसा ही एक मामला श्योपुर नगर के वार्ड क्रमांक 7 में सामने आया है, जहाँ कांग्रेस के चुनाव कार्यालय पर ताला जड़ा दिखाई दिया, तो वहीं वार्ड 7 के पार्षद प्रत्याशी के वार्ड भर में कहीं भी बैनर, झंडे, प्लेमप्लेट दिखाई नहीं दिए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रत्याशी चुनाव में रुचि भी नहीं ले रहा है। इतना ही नहीं, मीडिया से रूबरू होने पर वार्ड क्रमांक 7 के कांग्रेस प्रत्याशी गिरिजा अग्रवाल ने बताया कि मैं वार्ड क्रमांक 6 में निवास करता हूँ, जहाँ मित्रता के दबाव में चलते वार्ड 7 से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ। ना तो मेरे पास कोई खास टीम है, ना ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मुझे सहयोग मिल रहा है। जहां चुनाव कार्यालय से शुभारंभ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा मुझे आश्वासन किया गया कि आपका हम सहयोग करेंगे, मगर कार्यालय के उद्घाटन के बाद से अभी तक कांग्रेस के किसी भी नेता ने वार्ड 7 की ओर रुख तक नहीं किया। ऐसे में मेरे द्वारा प्रचार प्रसार कर जनसंपर्क करते हुए प्रयास किए जा रहे हैं, जहां हार जीत को लेकर कैसे दावा किया जा सकता है। सभी जगह चिपकवाए हैं, हनुमान जी की गली में भी चिपकवाए हैं, इधर आपके ब्लॉक कॉलोनी में भी चिपकवाए हैं, और ये तुम्हारा इसमें निचली बस्ती है, इधर तुम्हारी ब्लॉक के लिए जो जाते हैं उसमें भी गुरुद्वारे के सामने भी चिपकवाए हैं। जनसंपर्क किया आपने कहीं रैली वगैरह से? थोड़ा बहुत छोटा मोटा कहीं जनसंपर्क रैली के साथ किया है मैंने, पूरे कांग्रेसी के जो वरिष्ठ नेता है उनके सबके साथ मैंने जनसंपर्क किया है। परसों उसमें जिला अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय, कुछ बिहारी जी वरिष्ठ कांग्रेसी जन के यहाँ से अपने कार्यालय से लेके बसैया वाली मैया, पुराने जो बसैया वाली मैया का मंदिर था, वहाँ से पूरे में होते हुए पूरा विकास नगर किया है। सोर जी, आप कांग्रेस से वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद प्रत्याशी के रूप में आपने जो है फॉर्म डाला है और आप चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड क्रमांक 7 से, लेकिन सुनने में और देखने में ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के आप की मंशा ऐसी दिखाई दे रही है कि आपकी कोई रुचि नहीं है चुनाव में। ऐसा क्या 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 है ऐसा जो लोगों का भी कहना है और देखने में भी आ रहा है कि चुनाव को लेकर के आपके मन में उत्साह नहीं है? चुनाव में पूरी श्रद्धा लगन के साथ पार्टी के उसमें बराबर लगा हुआ हूँ चुनाव में। बस मेरे पास थोड़ी कार्यकर्ताओं की कमी है, जो जितने मुझ पर जितने इकट्ठे हो पा रहे हैं उनको लेके सभी को पहले सुबह से शाम तक मैं प्रचार कर रहा हूँ। प्रचार में पूरी तरह निष्ठा के साथ लगा हुआ हूँ। क्या मिल किनका सहयोग कम मिल रहा है आपको? कांग्रेस की पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं जी, उनका सहयोग थोड़ा कम मिल रहा है। मैं बराबर उनसे बात कर रहा हूँ और बराबर प्रयासरत हूँ कि वो भी मेरे साथ थोड़ा सा चल के और मेरा साथ दे, तो मैं और इसको अच्छी तरीके से सभी के बीच में जा सकूँ। चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हर वार्ड में हर आदमी के संपर्क कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक बराबर लगा हुआ हूँ, एक दिन भी बाकी नहीं जा रहा। बस थोड़ी टीम की कमी है, जो 5-7 लोगों को 8 लोगों को साथ लेकर जा रहा हूँ बराबर चुनाव प्रचार। जहाँ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या माना जाए ऐसे में कि पार्षद के जो चुनाव में आप को हासिल क्या होगा? क्या ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं की कमी के चलते क्या जो सहयोग नहीं मिल पा रहा है, उस सहयोग के कारण कांग्रेस वार्ड क्रमांक 7 से क्या विजय होगी या नहीं होगी, क्या लगता है आपको? जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ जन हैं वो बराबर मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि आपके साथ टीम बनाकर भेजेंगे और हर जगह आपका प्रचार प्रसार बड़े उससे करवाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है, तो ऐसे में क्या अनुमान लगाया जाए कि जो वार्ड क्रमांक 7 की सीट है उसको क्या हासिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? कोशिश तो पूरी है सर, सीट को हासिल करने की कोशिश पूरी है, अपन पे जितना प्रयास हो रहा है इष्ट मित्रों के साथ सभी के साथ जाके अपन बराबर प्रयासरत हैं कि वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस की सीट को निकाला जाए।